हरे कृष्णा अध्याय तीसरा श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानां उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् अवृत्या देहिनां। इसका अर्थ, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 84th chapter के 13 श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मा बुद्धिः कुनपेत्रि धातुके स्वधीः कलात्रादिषु भौमा इच्छादिः यत्तीत बुद्धिः सलीलेन कर्हि चेष् जाने स्व अभिज्ञे सुसा एव गोकरः। और जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा। ये था तात्पर्य। तो इस श्लोक में भगवान हमें संकेत कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन काम कहाँ छुपा बैठा है। तो क्या क्या स्थल है उसका? इंद्रिया सेंसेस, दूसरा है मन माइंड, तीसरा है बुद्धि इंटेलिजेंस। ये तीन जगह है जहाँ पे काम छुप के बैठा हुआ है, उसका निवास स्थान है, जहाँ से हम सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको भगा सकते हैं, मगर हम कर नहीं रहे हैं। हम बाहर के लोगों से, बाहर के चीज़ों से लड़ते झगड़ते हैं, मगर अंदर के दुश्मन को बनाए रखे हैं और उसके निर्देशन पे चल रहे हैं। कितना बड़ा धोखा हम, कितना बड़ा खतरा हम पाल रहे हैं। हर एक भगवद गीता के श्लोक में भगवान दिखाई देते हैं और भगवान हमें मदद करने के लिए आतुर है और हम उनका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। अद्वैत आचार्य हमेशा हर श्लोक में भगवान को ही देखते थे, भगवान के ही संबंध में उसको लेते थे। एक बार एक श्लोक उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस तरह से भगवान कृष्ण के संबंध में है, तो उन्होंने उस दिन उपवास रख लिया जब तक वो उसे समझे नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण है वो आके उन्हें मनाने लगे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, जब तक मुझे ये श्लोक आप समझाओगे नहीं कि कैसे ये कृष्ण के संबंध में है, तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। तो भगवान ने उनसे विनती की कि पहले आप प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि दिन ढलते आ रहा है, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि ये किस प्रकार भगवान कृष्ण के संबंध में है।
तत्पश्चात उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। वैसे ही कौन ऐसा करेगा जो हमें हमारे दुश्मन को बताएगा। कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, जबकि सब हमारे दोस्त हैं। जैसे भगवान हमें कहते हैं सब हमारे दोस्त हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब दोस्त हैं हमारे, कोई दुश्मन नहीं है इस जगत में। दुश्मन जो है वो ये है काम, जो हमारे अंदर छुपा बैठा है। तो ये जो तीन आने वाली श्लोक है दोस्तों, ये 40 से शुरू होता है, 40, 41, 42 और 43, ये चार श्लोक 40, 41, 42 और 43। इसमें भगवान हमको इस दुश्मन पे कैसे काबू पाना है, कैसे इस पे विजय प्राप्त करना है, ये हमें बताएंगे। तो इस श्लोक का मूल उद्देश्य क्या है कि अभी भगवान जैसे भीम को कुरुक्षेत्र की लड़ाई के लास्ट में बताते हैं, जब दुर्योधन मर नहीं रहा था तो क्या भगवान कृष्ण ही उसको इशारे से समझाए कि उसके जांघ पे मारो तब भी वो मरेगा। तब एक गधा जोर से घुमा के जो उन्होंने मारा भीम जी ने दुर्योधन को, पूरे का पूरा ऊपर का हिस्सा बोलते हैं महाभारत में उड़ गया ऊपर दुर्योधन का। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे हमें संकेत कर रहे हैं कि हम बद जीव के शरीर में ये सामरिक स्थानों पे अधिकार कर लिया है। सामरिक मतलब स्ट्रैटेजिक, जैसे बिजनेस वाले, कॉरपोरेट वाले या पॉलिटिकल वाले, आर्मी वाले कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि दुश्मन को परास्त कैसा करना, वैसे ये स्ट्रैटेजिकली बैठा हुआ है हमारे इन स्थानों पर और हमें ध्यान ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि दुश्मन है हमारा। अब आप बताइए कौन हितैषी है हमारे, भगवान कृष्ण या अन्य देवी देवता जो हमें बताते हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है, या कोई मनुष्य, दैत्य या कोई भी आपको बड़ा हितकारी लगता हो आपके जीवन में, मेंटर, काउंसिलर आपके, या जो भी आप जिसको अपना निजी जीवन के सहायक या बेनिफैक्टर, वेलविशर समझते हैं, क्या वो आपको बताएंगे कि आपका असली दुश्मन कौन है? वो तो और आपको भड़काएंगे कि हाँ हाँ मारो मारो, ये तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। अरे घर पर बैठे ही एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए भी लोग बहुत ही क्रोधित होते हैं, एक दूसरे को के पास भटकना भी नहीं चाहते हैं, इतनी दुश्मनी हो जाती है। बाहर की बात तो अलग ही है, इतना गुस्सा भरा चेहरा लेके घूमते हैं कि डर लगता है कभी कभी ऐसे लोगों को देख के। बहुत कम लोगों को देखा है जो हंसते हुए हर चीज़, हर तकलीफ़ को सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर कोई बद्ध जीव है और हर कोई दुख झेल रहा है, सिर्फ मैं नहीं हर कोई झेल रहा है, तो क्यों ना हम उसकी सहायता करें। तो इस संबंध में आप बताइए हमारे सबसे बड़े हितैषी कौन है जो हम अभी तक जान नहीं पाए हैं? तो भगवान कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, जो हमारे अंतर आत्मा में बैठे हमें सूचित कर रहे हैं। कभी कभी बाह्य रूप से, बाहर से वो सहायता करते हैं, कभी अंदर बैठे बैठे चैत्य गुरु के इससे आज्ञा करते हैं। तो अभी भी इस श्लोक में भगवान कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं हमारा, कि हमारे शत्रु काम को बता रहे हैं कि ये यहाँ यहाँ छुपा है और इस जगह पे तुम पहुँच कर इसे ख़त्म कर सकते हो, इस पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़े दोषी कौन है? मन। मन जो है ये केंद्र बिंदु है, सेंटर है। क्यों? क्योंकि सब सेंस एक्टिविटीज, सब जो सेंसेस हैं हमारे, आँख, नाक, कान, स्पर्श, मुंह, ये सब एक्टिविटीज सब हमें इससे सूचित करता है मन को, कि देखो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है, देखो देखो ये सूंघ के देखो, देखो ये, देखो ये, सुनो इसे, ये वाली, हाँ ये, इसको छुओ, ये ऐसी इंद्रियाँ ललायत करती है मन को। फिर मन जो बुद्धि है, अब ये जो बुद्धि है ये राजधानी है। जैसे एक देश का, एक ग्राम का राजधानी होता है ना, मेन
वैसे ही ये राजधानी है, मतलब पड़ोसी है मन का। जैसे ही मन खींच लेता है इंद्रियों के द्वारा कोई विषय चीज़ को, विषय वस्तु को, तो वो इंटेलिजेंस मतलब माने बुद्धि को आदेश देता है कि तुम आयोजन बनाओ कि ये हमें कैसे मिल सकता है। समझे, मेरे पड़ोसी हो तुम, मेरी बात सुन लो। मन बुद्धि जो है ये दोस्तों मन से भी पावरफुल है, मगर ये मन के बहकावे में आकर ये उसके अधीन हो जाता है और उसकी बात कहने लगता है। अब ये बुद्धि जो है ये प्रभाव डालता है स्पिरिट सोल पे, मतलब हम पे, बद्ध जीव पे। कैसे? ये जो कामी बुद्धि है ये प्रभाव डालता है हम पे, मतलब हम बद्ध जीवात्माओं पे, कि झूठा अहंकार दिलाता है। अरे तुम तो शरीर हो, तुम जड़ वस्तु हो, ये मन और इंद्रियों के द्वारा करता है ये बुद्धि। और फिर जो हम बज्जीवात्माएं हैं हमें लत लग जाती है उस भौतिक विषयों पर, फिर हमें लगता है कि हमें तो इसी से सुख मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, वेरी बिग मिस्टेक हम करते हैं, ये जैसे कि एक अंधे कुएं में हम गिरे और बस गिरते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर वी गो। वैसे ही ये मन बुद्धि के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में हम गिरते जा रहे हैं अनंत काल से, ये जड़ सुख पाने के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी गलती है कि हम झूठे अहंकार के वश अपने आप को जड़ शरीर मान बैठे हैं, ना कि जीवात्मा। तो ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है ये कैसे उत्पन्न होता है? यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर श्लोक के द्वारा बताते हैं, जो हमेशा गुरुजन हमें सतर्क करते हैं इससे, कि हम ये तीन धातु वाले शरीर में अपने आप मैं मन के बैठे हैं, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो ये जो शरीर, जैसे आपको कहा था 6 चेंजेस से, प्रोसेस से होके गुजरता है, एक है वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब बच्चे, उनके रिलेटिव्स, ये वो सब उत्पन्न करता है। तो जो किन्समैन मतलब रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, तो ये उनको अपना ही अपने बॉडी के साथ रिलेट करता है कि ये मेरे अपने हैं, ऐसे उसकी अटैचमेंट हो जाती है, गलतफहमी बढ़ने लगती है। फिर अपने जो जन्म स्थल है उसको वर्शिपेबल मानता है, मतलब पूजनीय मानता है, और उसके प्रति आसक्त होता है, ये तीसरा जो शरीर से वो अटैच होता है। चौथा, अगर वो धार्मिक स्थल में जाके रह रहा है या घूम रहा है तो वो क्या करता है, सिर्फ वहाँ पे नहाने के लिए, मतलब गंगा में डुबकी लगाने के लिए, पवित्र नदियों में नहाने के लिए इसी हेतु से जाता है, मगर वो ये नहीं सोचता है कि इन धार्मिक स्थलों का क्या महत्व है। ये धार्मिक स्थल तो महान आत्माओं का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से जो भरे हैं, दिव्य ज्ञान से भरे हैं, जो हमको सबसे बड़ा गुह्यतम से गुह्यतम ज्ञान, मतलब कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नॉलेज दे सकते हैं, आत्मा के बारे में बता सकते हैं, उनसे मिलना छोड़कर हम व्यर्थ ही घूमते रहते हैं। तो शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवतम हमें क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को गधा या बैल समान समझना चाहिए। मतलब आप सोचिए हम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इस श्लोक का कि हमें हमारे गुरुजनों को मिलकर, इन दिव्य पुरुष से मिलकर वार्तालाप करना चाहिए, प्रश्न विमर्श करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे असली दुश्मन कौन हैं, हमारे सगी संबंधी असली कौन हैं, कौन हमारे परम हितैषी हैं, कौन है परम तत्व, ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि 28 श्लोक में हमने पढ़ा था, भगवान ने बताया हमें कि जो ये काम है ये सबसे बड़ा शत्रु है, और ये ही ज्ञान हमारा क्या कर रहा है, ढक रहा है, जिससे हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य नहीं समझ में आ रहा है।
तो ये जो ज्ञान है इसी से हम डिफरेंस लगा सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में काम कार्य करना कैसा है और भौतिक फलों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना क्या है। एक हमें बंधन में डालता है और दूसरा हमें बंधन से मुक्त करता है। तो बंधन से कौन सा कार्य मुक्त करता है? कार्य जो कृष्ण भावनामृत में हम करते हैं, और ये कार्य करने से रोकता है ये काम, क्योंकि इसने हमें लत लगाई है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ये हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने में दौड़ाता है। क्यों? ताकि हम फंस के यहीं पे रहे, हम यहाँ से निकले ना। ये सबसे बड़ा शकल है, चेन है जो बांध के हमें रख रहा है, तो हमें इसे से छुड़ाना है। इसीलिए ये श्लोक के द्वारा भगवान हमको ये सूचित कर रहे हैं कि हमें गुरुजन से मिलना चाहिए, हमें ऐसे धार्मिक लोगों से मिलना चाहिए जो हमें इससे बचाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।